हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ जो पहली बार हवाई जहाज़ से यात्रा करने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत मददगार होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ कलकत्ता एयरपोर्ट में, क्योंकि दोस्तों मैं कलकत्ता ही की रहने वाली हूँ। फर्स्ट स्टेप, आपको पहले डिपार्चर गेट के तरफ जाना होगा। वहाँ पे आपके बुकिंग कंफर्मेशन एंड आईडी प्रूफ दिखाकर हवाई अड्डे में प्रवेश करना है। सेकंड स्टेप है, एयरपोर्ट में प्रवेश करने के बाद आपको सबसे पहले पता करना होगा आपकी उड़ान कंपनी का बोर्डिंग पास काउंटर किधर है, जैसे कि एयर इंडिया, इंडिगो एट्सेट्रा। वहाँ से आपको पूछना होगा कि बैगेज स्कैनर किस तरफ है। ये है एक बैगेज स्कैनर, वहाँ से अपना सामान स्कैन करें। कंपनी अपने टैग को सामान के साथ जोड़ देगी, फिर वो सामान को लेकर बोर्डिंग पास काउंटर में आपको जाना होगा। बोर्डिंग पास काउंटर में बोर्डिंग पास या टिकट दिया जाएगा। अगर आप पहले सीट सिलेक्शन नहीं करते हो तो फिर कोई बात नहीं, इस काउंटर में आपका पसंदीदा सीट बता सकते हो। और इस काउंटर पर सामान छोड़ना है आपको, हैंडबैग इसमें नहीं जाएगा। ये है एयर इंडिया का बोर्डिंग पास काउंटर। सामने है चेक इन सेक्शन। बोर्डिंग पास हो गया है और अब हम चेकिंग करेंगे। लेकिन सेक्शन में बॉडी चेक, टिकट्स चेक, हैंडबैग चेक होगा और अलग से ट्रे में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स डालना पड़ेगा, वो भी अलग से चेक होगा। अगर आप ब्रांड की शौकीन है तो आप इन दुकानों से ब्रांडेड सामान खरीद सकते हैं। यहाँ खाने की कई सारी दुकानें हैं, पर थोड़ा कॉस्टली होगा। बेहतर होगा यही कि आप घर से खाना लेकर आए और चेक इन से पहले वो सेवन करें, क्योंकि बहुत सी एयरपोर्ट में खाना लेकर जाना अलाउड नहीं होता। इस चिन्ह को देखते हैं तो समझ लीजिए कि वॉशरूम है। बहुत सी एयरपोर्ट में ये चिन्ह के नीचे WC और टॉयलेट लिखा होता है। ये कलकत्ता एयरपोर्ट का वॉशरूम है। ये पानी का कल है, सेंसर से चलता है। उस गोल के सामने अपना हाथ लेकर जाए तो पानी गिरेगा। अब हम बोर्डिंग गेट की तरफ जा रहे हैं। आपको बोर्ड दिखकर जानना होगा कौन से गेट में आपका फ्लाइट है। इसके बाद गेट नंबर देख के उसकी ओर बढ़ना होगा। इस तरह गेट के ऊपर एक नंबर होगा। हम गेट के माध्यम से प्रवेश कर चुके हैं। गेट में सिर्फ टिकट्स चेक होगा। अब हम एयरो ब्रिज से जा रहे हैं, डायरेक्ट फ्लाइट में प्रवेश करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एयरो ब्रिज नहीं होता, उस टाइम पे कंपनी की बस आपको ले जाएगा और
आप फ्लाइट में प्रवेश करेंगे। फ्लाइट में प्रवेश करने के बाद पहले अपना सीट नंबर देखकर सीट पर बैठ जाए। अपन कक्ष में अपना हैंडबैग रख दे। अगर आप खुद ये नहीं कर सकते हैं तो एयर होस्टेस की मदद ले। हम अपनी सीट पर बैठ गए हैं। इस बटन को प्रेस करने से एयर होस्टेस आपकी सहायता के लिए आ जाएंगे। ये लाइट्स है, लाइट्स जलाने के लिए बटन को प्रेस करें। ये हवा के लिए है, ये अपने खुशी से घुमा सकते हैं और हवा खा सकते हैं। ओहो, मैं तो आपको एक बात बताना भूल गई, वो है आप हैंडबैग में कॉस्मेटिक्स ले जा सकते हैं और छोटा सा पानी का बोतल ले जा सकते हैं। और ये जो लिस्ट है ये आपको नहीं लेकर जाना है। और अगर आपको छुरी, कैंची, नेल कटर्स की ज़रूरत होगा तो अपने हैंडबैग में ना रखें, उसको लगेज बैग में डाल दें। एयर होस्टेस के बातें ध्यान से सुने और सीट बेल्ट लगाए। हमारा फ्लाइट अब टेक ऑफ के लिए तैयार है। ये पेपर आपको ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि ये सुरक्षा के बारे में है। आप टाइम पास के लिए मैगज़ीन भी पढ़ सकते हैं या फिर खुद के बुक्स भी पढ़ सकते हैं। खाना खाने के लिए इस तरह टेबल को खोलें और आराम से अपना भोजन उपभोग करें। कुछ देर में ही आपका प्लेन लैंड करेंगे। लैंडिंग के समय अपनी सीट बेल्ट कसकर बांध लें। फ्लाइट से उतरने के बाद ही जो आपका पहले काम होगा वो है एयरपोर्ट में ही घोषणा की जाएंगी आपका सामान कौन सी कन्वेयर बेल्ट में है। अगर आप ये अनाउंसमेंट मिस कर गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप कन्वेयर बेल्ट की तरफ जाए। हर एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर फ्लाइट नंबर दिया होता है, उसके पास वेट करें और अपने बैगेज का इंतज़ार करें। बैगेज लेने के बाद सारे प्रोसीड्योर्स ख़त्म होते हैं। इसके बाद आप एयरपोर्ट से एग्ज़िट करें और एक नई जगह की आनंद लें। तो यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय।